यूपी में नई सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी बड़ी अपडेट यह है कि 25 मार्च को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 25 मार्च को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह की खबर मिल रही है। तारीख सामने आ चुकी है, 25 मार्च शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। यूपी में नई सरकार के शपथ ग्रहण से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, बाकी की डिटेल शैलेश फोन लाइन पर मौजूद है। शैलेश, अब तारीख सामने आ चुकी है, किस तरीके की जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पहले शपथ ग्रहण को लेकर तमाम तरह की तारीखें सामने आ रही थी। सबसे पहले देखिए जो एसपी गंगा ने भी अपडेट दिया था अपने दर्शकों को, वो यही था कि 23 से 25 मार्च के बीच में शपथ ग्रहण समारोह होगा। हालांकि बाद में इसमें कुछ तब्दीली दिखी, 21 मार्च को लेकर चर्चा होने लगी, लेकिन अब तारीख पर मोहर लग गई है और 25 मार्च को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण का भव्य समारोह होगा लखनऊ में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी टिकाना क्रिकेट स्टेडियम में इस शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई राज्यों के दिखे मुख्यमंत्री जो है, जो भाजपा शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री जो है वो भी शामिल होंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री और कई विशिष्ट अतिथि जो है वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। देखिए आज इस तारीख पर मोहर लग गई है और माफ जी और बताएंगे, आज के वक्त जब होली के कवरेज पर एबीपी गंगा की टीम थी तब एक भाजपा के बड़े नेता ने बात कही थी कि 25 तारीख पर ही संभावना बन रही है। हालांकि 24 और 25 में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर था कुछ वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम देखे जाए थे, कुछ और वजहों को देखा जा रहा था, लेकिन आखिरकार 25 तारीख पर मोहर लगी है। 25 मार्च को शाम 4 बजे शपथ ग्रहण का भव्य समारोह होगा और इसके साथ ही देखिए जो इकाना स्टेडियम में तैयारियां चल रही है उसको लेकर भी अभी क्लैरिटी आ गई अधिकारियों को किस तरह से कितनी जल्दी वहां पर काम कराना है। तो दिन रात लगकर देखिए वहां पर भी काम पूरा कराया जा रहा है, अंदर जो टैंक का काम है वो हो रहा है, एलईडी की बड़ी स्क्रीन का वहां पर लगाई जा रही है। इसके अलावा देखिए पूरे प्रदेश भर में जो भाजपा है उसकी अपनी भी तैयारी है कि शपथ ग्रहण समारोह भले राजधानी लखनऊ में होगा लेकिन उसको पूरे प्रदेश भर में किस तरह से जगह जगह दिखाया जाए एलईडी स्क्रीन पर, इसकी भी तैयारी अंदर अंदर चल रही है और बहुत जल्द वो भी चीजें जो आधिकारिक रूप में सामने आ जाएंगी, क्योंकि जो एक प्रचंड बहुमत मिली है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से और पुराने रिकॉर्ड देखे टूटे हैं, दूसरी बार लगातार किसी दल की सरकार रिपीट हुई है 3 सालों के बाद, वह एक लंबे समय के भाजपा का कोई मुख्यमंत्री लगातार उसी बार कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो इन चीजों को बिल्कुल। अब शैलेश ये बात भी समझ में आ रही है कि 10 तारीख नतीजे आते हैं और उसके बाद इतना लंबा वक्त भी लिया जा रहा है क्योंकि इतिहास बदला है, बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, क्या ये वक्त इसी इवेंट को लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए लिया जा रहा है? क्योंकि अब तक कयास लगाए जा रहे थे कि होली के बाद बीसीआई 20 तारीख होगी। देखिए दो तीन उसके पीछे कुछ और कारण भी थे, जैसे अगर बात की जाए देखिए उत्तराखंड में भी शपथ ग्रहण समारोह होना, इसके अलावा जो यहाँ का शपथ ग्रहण समारोह होना था उससे पहले देखिए मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल करना, उसका हालांकि ब्लूप्रिंट देखिए तैयार हो चुका है लेकिन उसको फाइनल करना, दिल्ली में जिस तरह से बैठकों का सिलसिला चला, प्रधान सबसे बड़ी चीज देखिए प्रधानमंत्री का समय भी उसमें देखा जाना है और यही वजह रही कि समय देखने के बाद सारी जो चीजें थी उनको देखने के बाद ये फाइनल किया गया है। दूसरी चीज लखनऊ में जो तैयारियां चल रही है, जो इकाना स्टेडियम है करीब 45,000 लोगों के बैठने की देखिए व्यवस्था की जा रही है, जब इतना बड़ा आयोजन है जाहिर सी बात है उसके लिए व्यवस्थाओं के लिए भी कुछ समय चाहिए, भव्यता को और ज्यादा करने के लिए समय चाहिए। आपको हम बताएं, हमने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से एयरपोर्ट की तरफ से जब हम इकाना स्टेडियम जो वेन्यू है वहां जाते हैं तो रस्ते में सड़कें देखिए बनाई जा रही है, इसके अलावा उनको और बेहतर किया जा रहा है। इकाना स्टेडियम के बाहर का हमने नजारा दिखाया था कि किस तरह से वहां पर पौधे हैं उनकी फिनिशिंग चल रही है, झाड़ियां हटाई जा रही है, साफ सफाई का काम चल रहा है, नगर निगम की टीमें, एलडीए की टीमें, सारे वहां पर टीम्स को लगाया जा चुका है, सुरक्षा व्यवस्था का जो पहलू है उसको लेकर वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही है, करीब 200 वीवीआईपी की देखिए ये अभी पुष्टि नहीं की जा रही लेकिन सोचते की माने अंदर अच्छा। तो 200 वीवीआईपी के लिए व्यवस्था अंदर की जा रही है, तो जब देखिए इतनी बड़ी तैयारी है, इतना बड़ा आयोजन है, जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ वक्त की जरूरत होगी, खुद जब प्रधानमंत्री को शामिल होना है, गृह मंत्री को शामिल होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, तमाम इतनी बड़ी हस्तियां। अच्छा शैलेश, आपने भी इकाना स्टेडियम का जायजा लिया था, आप कम से कम अधिकारियों को डेडलाइन पता है कि कब से कब तक सारी तैयारियों को फाइनल टच दे ही देना होगा, है ना? बिल्कुल, देखिए अगर हम पहले की बात करें तो अधिकारी जो थे वो 21 तारीख को अपने लिए डेडलाइन मानते हुए काम कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ से भी जाहिर की बात है फीडबैक जरूर जा रहा होगा
कि इतना बड़ा आयोजन है उसकी तैयारियों के लिए जो समय चाहिए, जाहिर सी बात है कि निश्चित रूप से एक एक चीज का फीडबैक जा रहा होगा और उन चीजों को भी ध्यान से जरूर रखा गया होगा। दूसरी चीज बिल्कुल आपने सही कहा कि अब जो वहां पर तैयारी से जुड़े लोग हैं, जो पूरा हमला है उसको क्लैरिटी हो गई है कि हमें कब तक तैयारियों को अपनी जामा पूरी तरह से पहनाना है, कभी आयोजन होगा, जाहिर सी बात है उसके हिसाब से और बेहतर काम होगा। बहरहाल दिन रात देखिए वहां पर काम चल रहा है, चाहे सड़कों की मेंटेनेंस का वहां पर काम हो, चाहे वहां पर बैठने का काम हो, या फिर एक सामने की तरफ हम आपको बताएं काना स्टेडियम के एक स्थल है, पार्किंग स्थल की भी देखिए वहां बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, लगभग 45,000 लोगों के लिए व्यवस्था है वो 10 लगाया जा सकता है। दूसरी चीज सोर्सेज की माने तो इस पूरे आयोजन में जो सरकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं है उसके जो लाभार्थी है उनको भी बुलाने को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जो हमारे सोर्सेज है उन्होंने बताया कि अंदर अंदर इसकी भी तैयारी चल रही है। तो अब देखिए क्योंकि स्वरूप सामने आ चुका है तो निश्चित रूप से और चीजें भी एक एक करके सामने आएंगी। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं वो ये कि अब तारीख फाइनल हो गई है, जाहिर सी बात है कि अब इन्विटेशन जाने शुरू होंगे। जो आपको बताया कि चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे सोनिया गांधी की बात हो, चाहे हम बात करें अखिलेश यादव की, चाहे बात करें यहाँ पर हम बाकी दलों की मायावती की बात करें जो बसपा के अध्यक्ष, सभी लोगों को न्योता भेजने की तैयारी है। ठीक है शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है, 25 मार्च शाम 4 बजे यूपी में नई सरकार का शपथ।